हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे और यहाँ पे क्रिसमस की लाइट्स जो है वो ऑन हो चुकी हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो चलते हैं इस वॉकिंग टूर पे और देखते हैं कि ये जो क्रिसमस की लाइट्स हैं ये कैसी लग रही हैं और कितनी दूर तक नज़र आ रही हैं। ये है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और यहाँ पे टाइम शाम का टाइम हो चुका है, लेकिन शॉप्स अभी भी ओपन है और लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल ऑन हो गई हुई हैं। ये देखें, सामने इंटेल की शॉप आ गई है। पहले तो ये नहीं होती थी, लेकिन इंटेल ने एक अपना स्टोर ओपन कर लिया और उसका नाम उन्होंने लिखा है फ्यूचर स्टोर्स। तो इधर कोर i9 और जो लेटेस्ट उनके कंप्यूटर्स प्रोसेसर्स हैं वो यहाँ पे उन्होंने रखे हुए हैं। ये देखें, ये इंटेल की शॉप है अपनी, इंटेल AI एक्सपीरियंस भी है इसमें। इंटेल कोर अल्ट्रा 7 अल्ट्रा 9 और बड़ी अच्छी खूबसूरत शॉप उन्होंने बनाई है। ये पहले नहीं थी, ये बिल्कुल उन्होंने न्यू लॉन्च की है, इंटेल ने अपनी शॉप बनाई है। ये भी देखें यहाँ पे रश कितना लगा हुआ है। यहाँ पे भी हॉर्न वगैरह बज रहे हैं और काफ़ी एक तरह से ट्रैफिक ब्लॉक है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ब्लॉक होती नहीं है। ये देखें, साथ ही चल पड़ी है और बड़े पेशेंस से यहाँ पे लोग ड्राइव करते हैं। और जो कुछ कंट्रीज़ में आजकल स्मोक का काफ़ी इशू चल रहा है, तो इन्होंने कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कंजेशन चार्जेस होते हैं। कंजेशन चार्जेस में ये है कि इस एरिया में जो लंदन का बिल्कुल सेंटर है, जैसे ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, ये बिल्कुल सेंटर में है लंदन के, यहाँ पे अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी पे आएंगे तो आपको स्पेशल एक चार्ज पे करना पड़ेगा, वो आपको ऑनलाइन पे करना होता है। अगर आप नहीं पे करते तो आपको उसकी पेनल्टी पड़ेगी। तो उस चार्ज का मकसद यही है कि लोगों को बेसिकली डिसकरेज किया हुआ है इन्होंने कि वो यहाँ पे अपनी गाड़ी पे ना आएँ बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएँ, ताकि जितनी वो कम आएंगे, गाड़ियाँ कम चलेंगी, उतनी पोल्यूशन कम होगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल रहेगी, क्योंकि एक बस में ऑब्वियसली ज़्यादा लोग बैठेंगे और ट्रेन में भी आएंगे तो वो ऑब्वियसली उसकी पोल्यूशन एक कंट्रोल रहेगी। उसके बाद गाड़ियों का भी इसी तरह से है कि गाड़ियों का जो रोड टैक्स यहाँ पे है वो गाड़ियों के जितना वो धुआं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन्स उनके होते हैं पर किलोमीटर जो वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करती हैं उसके हिसाब से उन्होंने उसका रोड टैक्स रखा हुआ है। तो जितनी गाड़ी का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम है उसका रोड टैक्स उतना कम है, और जितनी गाड़ी पुरानी होती जाती है, ऑब्वियसली जो 2010 में गाड़ियां आती थी उनका ऑब्वियसली उस वक्त धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो ज़्यादा होते थे, और अब जो है वो जो जितनी लेटेस्ट गाड़ियां हैं उनके मिशन कम से कम कर रहे हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी कैटालिटिक कन्वर्टर इंस्टॉल करके उसको कंट्रोल किया हुआ है और उससे उनका रोड टैक्स कम होता जाता है। तो ये बेसिकली इन्होंने कुछ तरीके कुछ टेक्निक्स किए हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन कंट्रोल किया है इन्होंने, वरना तो आपको पता ही है पाकिस्तान में या किसी और कंट्रीज़ में वो पोल्यूशन या स्मोक वगैरह हो रही है, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसको प्रैक्टिकली कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ किया जा रहा है। ये है मैकडोनल्ड्स और ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इतनी लंबी है कि इस जस्ट एक इसी रोड के ऊपर आपको 3 से 4 मैकडोनल्ड्स, क्योंकि शायद इससे भी ज़्यादा मैकडोनल्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो आप चलते जाएं आगे से आगे तो आपको एक मैकडोनल्ड ये गुजरा है, इसी तरह एक मैकडोनल्ड और आ जाएगा कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे।
और उसके और आगे जाएंगे तो आपको एक और मैकडॉनल्ड मिल जाएगा। तो काफ़ी लंबी रोड है और इस पर मैकडॉनल्ड काफ़ी ज़्यादा हैं। ये है टीके मैक्स, यहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रांडेड ब्रांड्स के कपड़े मिल जाते हैं और उनकी प्राइसेस भी काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं। और ये है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का अंडरग्राउंड स्टेशन, ये उसकी एंट्रेंस है। ये एक्सट्रीमली बिजी होता है और इसको कहा जा सकता है कि ये लंदन का वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट ट्रेन अंडरग्राउंड स्टेशन है। मेरे सामने है बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट की शॉप और इससे बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे जाके है एप्पल की शॉप। और ये देखें, यहाँ पे हम रीजेंट स्ट्रीट पे आ गए हैं। रीजेंट स्ट्रीट पे भी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। रीजेंट स्ट्रीट पे भी सब शॉपिंग की शॉप्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, लाइक दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स, रोलेक्स वॉचेस से लेके ये देखें ओमेगा, और यहाँ पे बड़े से बड़ा ब्रांड आपको मिलेगा। और वो बिल्कुल सामने है एप्पल की शॉप। और ये लाइट्स इन्होंने क्रिसमस के हवाले से लगाई हुई हैं। ये एक एंजल बनाया हुआ है इन्होंने और ये बिल्कुल इस वक्त काफ़ी लोग यहाँ पे ले, लाइट्स बिल्कुल आज ही ऑन हुई हैं और लोग इनको देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जमा हुए हैं। और ये बिल्कुल एक एंजल की तरह की लाइट है जो इन्होंने एक एंजल बनाया हुआ। ये देखें आपके सामने है एप्पल शॉप और उसमें काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। ये देखें यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत एंजल बना हुआ है। हम बिल्कुल रोड के दरमियान में हैं और इधर बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं जो इन लाइट्स को देखने के लिए आए हैं आज तक। खूबसूरत नज़ारा। हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से पिकेडिली सर्कस की तरफ वॉक कर रहे हैं। पिकेडिली सर्कस वो जगह है जहाँ पे आपने मुख्तलिफ मूवीज़ में देखा होगा, काफ़ी लाइट्स वगैरह लगी होती हैं। तो अभी देखते जाएं, अभी वो भी दिखाते हैं। हर कोई आज यहाँ पे पिक्चर्स बनाने में बिजी है, पिक्चर्स वीडियोस, हर कोई जिसको भी आप देखें कैमरा पकड़ के वो अपनी पिक्चर्स बनवा रहा है डिफरेंट पोजेस में, डिफरेंट स्टाइल्स में। ये लाइट्स देखने के लिए लोग पूरा एक साल वेट करते हैं और ये नवंबर से लेके जनवरी के स्टार्ट तक ये लाइट्स यहाँ पे लगी रहती हैं। ये देखें यहाँ पे कितने बबल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ऊपर लाइट्स हैं और बहुत ही खूबसूरत। ये देखें यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ है।
रीजेंट स्ट्रीट से चलते हुए हम पिकेटी सर्कस पहुंच चुके हैं और ये सामने बिल्कुल ये फेमस है, बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है, जैसे न्यूयॉर्क में भी है, ये एक बिलबोर्ड है जिन पे हर वक्त कोई ना कोई ऐड चल रहे होते हैं और ये टूरिस्ट के लिए बहुत एक हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे जो एक लाइट्स की वाइब्रेंसी है वो आप देख सकते हैं, इतना रश है जो तो। और इस तरह ये सामने जो एक स्ट्रीट है इसके ऊपर भी लाइट्स और वही एंजल्स बने हुए हैं, ये देखें बिल्कुल सामने। हर स्ट्रीट के ऊपर लाइट्स ही लाइट्स हैं, ये देखें सामने कितनी ज़्यादा रोशनियाँ हैं और इन पर डिफरेंट ब्रांड्स के इश्तेहार चल रहे हैं। बहुत ही लाइटेड एरिया है ये। सो ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और भी आपको इस तरह की नई वीडियोस देखने को मिलती रहे। थैंक यू।